नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSC उड़ान पर। मैं आप लोगों के लिए डेली जीके के क्वेश्चंस लेके आता हूं, तो आज मैं वही लेकर आया हूं आप लोगों को, जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सारे ही एग्जामों में इम्पोर्टेंट रहते हैं। हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस जो है रिपीट होते रहते हैं, तो वही क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और रिपीट होते रहते हैं अक्सर। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग वो भी देख लीजिए, क्योंकि मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, वही क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ जो आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगर जिन गाइज ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको भी नोटिफिकेशन मिलता रहे और वो भी वीडियो को देख पाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सन 1995 बंगाल का विभाजन किसने किया था, किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? हमारा लॉर्ड कर्जन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कोई भी एग्जाम देते हैं आप, इलाहाबाद हाईकोर्ट का या यूपी का या फिर सेंट्रल का कोई भी एग्जाम देते हैं, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1905 में क्या हुआ था? ये क्वेश्चंस जो है दो से रिलेट कर रहा है। एक तो हमें ये पता लग रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, बंगाल का विभाजन हमारा हुआ 1905 में। आपको एक क्वेश्चन ये याद हो गया, एंड नेक्स्ट दूसरा क्या हो गया, किसने करवाया? लॉर्ड कर्जन ने करवाया। तो आपको ये दो क्वेश्चंस याद हो गए इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो श्रीनगर किसके किनारे बसा हुआ है? झेलम। अब आपसे आ जाए, झेलम के पास किस नगर, किस शहर का, किस कौन सा शहर है? तो आप लोग लगा देंगे श्रीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन, महलों का शहर किसे कहते हैं? महलों का शहर किसको कहते हैं? कोलकाता को। कोलकाता को मैं, आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप कोलकाता की पिक देखते होंगे तो एक उसमें हवा महल सा आ जाता है बनके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? महलों का शहर। महलों का शहर हमारा कौन सा है? कलकत्ता है। नेक्स्ट हमारा, बैलून में भरी जानी यानी गुब्बारे में भरी जाने वाली कौन सी गैस होती है जो गुब्बारे में भरी जाती है? हीलियम गैस होती है। हीलियम क्यों होती है? क्योंकि हीलियम जो होती है सबसे हल्की गैस होती है, इसलिए हमारी बैलून में क्या भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है, जिससे वो ऊपर तक जा पाता है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, विश्व का सबसे प्रचलित धर्म कौन सा है? आप लोग सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या में ईसाई लोग हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं हमारी जनसंख्या में, और यही धर्म ऐसा है सबसे ज़्यादा प्रचलित है दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर। नेक्स्ट है हमारा, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध हमारा कब हुआ था? 261 में हुआ था। कलिंग युद्ध किसके किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए, मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ आप लोगों को, कि अशोक कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्यों अपनाया था? क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर खून वून हुए थे, बहुत ज़्यादा हत्याएं हो गई थी, इस वजह से क्या किया था, इसको देख के उसके हृदय कांप गया था अशोक का, इसलिए उसने बौद्ध धर्म को फिर अपने गुनाहों की माफी के लिए अपनाया था। नेक्स्ट है हमारा सेवंथ क्वेश्चन, गीतांजलि किसने लिखी है? गीतांजलि आप लोग याद रखिए, किसने लिखी? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। गीतांजलि किसने लिखी है? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगर आपसे आ जाए सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो हमारे कौन थे? गुरु नानक। याद रखिए, अलग अलग हैं ये, खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? हमारे गुरु गोविंद, और संस्थापक कौन थे हमारे सिख धर्म के? गुरु नानक। नेक्स्ट है हमारा, राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है? राजीव गांधी गोल्ड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। फुटबॉल में हमारा राजीव गांधी गोल्ड कप दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू यानी वर्ल्ड टबैको निषेध दिवस बनाया जाता है, कब बनाया जाता है? हमारा 31 मई को। नेक्स्ट है हमारा, भारत का मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? भारत का मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? अहमदाबाद में। ये आपके एसएससी एग्जाम में रिपीट हो चुका था, और इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी रिपीट हुआ था। नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन, राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन कराता है? राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन कराते हैं राज्यपाल का शपथ ग्रहण? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है हमारा, रॉयल एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में क्या हुआ था? हमारा रॉयल एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट है हमारा 14, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राष्ट्रपति बुलाता है तब होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए, जो संयुक्त बैठक होती है, मैंने कल के लेक्चर में बताया हुआ था आपको, कि साल में 2 बार होना अनिवार्य है, या फिर 6 महीने के गैप में 1 बार होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है हमारा 15,
दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद किसने निर्माण करवाई थी? तो किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाई थी। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तम लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का। नेक्स्ट है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस द्वारा चलाया गया था? तो कौन सा आंदोलन चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी ने। कब किया था? 1942 में। आपका ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया था बुलंद दरवाजे का निर्माण। नेक्स्ट है हमारा, और ये कहाँ है हमारा? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है हमारा, खुदाई खिदमतदार आंदोलन किसने शुरू करवाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खुदाई खिदमतदार आंदोलन किसने शुरू करवाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? जो हड़प्पा सभ्यता थी, आप लोगों को मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता थी, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन थी हमारी, ये इसको किसने खोज किया था? दयाराम स्वामी ने। किसने खोज किया था? दयाराम स्वामी ने। नेक्स्ट हमारे 21, 1919 में जलियांवाला कांड हत्याग्रह कहाँ हुआ था? अमृतसर में। जलियांवाला कांड कब हुआ था? 1919 में। आप लोग ये भी याद कर सकते हैं, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। इसमें क्या हुआ था? जनरल डायर ने, जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे कि जनरल डायर ने सभी को गोली से उड़ाने का फैसला लिया था ग्राउंड में, तो उसी ग्राउंड को क्या बोलते हैं? बाग को हम क्या बोलते हैं? जलियांवाला बाग था वो हमारा। 1919 की बात थी, ये कहाँ है हमारा? अमृतसर में है। नेक्स्ट है हमारा 22 क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना रहता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना रहता है? 36.9। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, 36.9 या फिर 37 भी दे देता है कभी कभी ऑप्शन में। नेक्स्ट है हमारा 23, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को। और ये किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। गाइस, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर आप लोगों को मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, चाहे वो इडियम्स फिजिक्स की हो, चाहे वो किसी भी लेक्चर्स की हो, आपको सब वहां पर पीडीएफ मिल जाएंगी। या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बता पाऊँ। मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा 24 क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग अलग करती है? तो किन किन देशों को अलग अलग करती है? भारत तथा श्रीलंका को। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? भारत और श्रीलंका को। याद रखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज मेरी तबीयत थोड़ा सा डाउन है, और हो सकता है कल आपको लेक्चर ना मिले, क्योंकि कल संडे भी है और मैं भी थोड़ा सा वीक फील कर रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ हो गया है। तो आप लोग कल का लेक्चर का वेट ना करें, ठीक है गाइस? गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।